दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में यूपी टी -टी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का भी मामला सामने आया था इसमें यूपी पुलिस ने 26 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन आरोपियों पर रासुका लगाने का निर्देश दिया था लखनऊ में कैंडल मार्च निकाल रहे युवाओं पर रविवार को पुलिस ने लाठियां बरसाईं ये युवक यूपी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों का विरोध कर रहे थे खबरों के मुताबिक युवाओं का एक समूह यूपी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे थे तभी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और लाठियों के जरिए उन्हें खदेड़ दिया इस लाठीचार्ज के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस लाठी चार्ज का वीडियो ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है आप सांसद संजय सिंह ने लिखा आदित्यनाथ जी जितना मन चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लीजिए लेकिन दो बात याद रखिएगा इन्हीं नौजवानों ने आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है बेरोजगारों पर हो रहे जुर्म आपकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट में लिखा उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों का आरक्षण मारने वाले मुख्यमंत्री अब लाठियां बरसा रहे हैं लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज दुखद एवं शर्मनाक है युवा बेरोजगारों का इनकलाब होगा बाईस में बदलाव होगा इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है हम उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं और युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा वहीं इस घटना को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर लिखा पिछले दलितों की संतानों पर लखनऊ में पुलिस की ये लाठिया क्रूर भाजपा सरकार और घमंडी मुख्यमंत्री के सत्ता में आखिरी कील साबित होगी उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी एसटी एस सी एस अभ्यार्थियों की हकमारी उत्तर प्रदेश नहीं भूलेगा आजाद बोल इंडिया की रिपोर्ट